हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 9 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस के सियासी दिग्गज आमने सामने होंगे। इस चुनावी भिड़ंत से एक दिन पहले 8 नवंबर को नोटबंदी की वर्षगांठ पर देश में पक्ष और विपक्ष की टक्कर भी होगी। एक तरफ कांग्रेस काला दिवस मनाएगी तो दूसरी तरफ बीजेपी नोटबंदी का जश्न मनाएगी। नोटबंदी का एक साल पूरा होने के मौके पर 8 नवंबर को बीजेपी ने कालाधन विरोधी दिवस मनाने का फैसला लिया है। बीजेपी का मानना है कि पिछले साल की गई नोटबंदी सफल रही है, इसलिए बीजेपी इस दिन को जश्न के रूप में मनाएगी। जहां बीजेपी 8 नवंबर को जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष ने भी इसे बड़ी नाकामयाबी मानते हुए काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर 8 नवंबर को विपक्षी दल इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का नोटबंदी का ऐलान सदी का सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसे में 8 नवंबर को सभी विपक्षी दल देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले साल 8 नवंबर को पीएम मोदी ने 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद कर देने का ऐलान किया था, जो कि देश के लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। तो इस चुनावी भिड़ंत से तो यह तय है कि 8 नवंबर को देश की सियासत जबरदस्त गर्माने वाली है, लेकिन ये देखना होगा कि चुनाव से एक दिन पहले होने वाली इस लड़ाई का असर मतदान पर कितना पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।